हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, एंजल हीलर, रेकी हीलर, स्पिरिचुअल गाइड, रमल एस्ट्रोलॉजर, क्रिस्टल्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, नेम एनालिसिस करती हूं और सिचल मैजिक करती हूं, चार्म स्पेल्स और भी बहुत कुछ करती हूं। आज मैं आपके लिए पिकअप आई रीडिंग लेके आई हूं और ये भी यूट्यूब पे किसी ने रिक्वेस्ट करी कि हमें पिकअप आयल रीडिंग चाहिए। एक्चुअली वो ये जानना चाहती हैं कि उनका जो पार्टनर है, कह लीजिए लव पार्टनर या हस्बैंड है या वाइफ है, स्पाउस हैं या होने वाले हैं, उनका घर कैसा होगा, उनके परिवार कैसा होगा और वो किस तरह के नेचर के होंगे, कि यानी कि दोनों की कंपैटिबिलिटी। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो भी, अगर आप कमिटमेंट में हैं तो भी, अगर आप बहुत बेस्टेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोस्ती में हैं तो भी, अगर आप मैरिड हैं तो भी, ये रीडिंग आपको डायरेक्शन देगी, गाइड करेगी। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आपको जो भी समझ में आए। ये तीन पाइल्स हैं हमारे पास, ब्राउन, पिंक एंड वाइट एंड ग्रे, ये तीन हैं। इनमें से आपको जो समझ में आता है आप अपना सेलेक्ट करिए, जो आपको, जिसके साथ आपको ऐसा लग रहा है कि आप कनेक्टेड फील करेंगे, उस पाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। और ये जब भी आप देखेंगे रीडिंग, आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये एक पर्सन से ज़्यादा पर्सन के लिए भी आप पूछ सकते हैं, जैसे एक पर्सन के लिए एक पाइल से, दूसरे पर्सन के लिए दूसरे पाइल से, तीसरे पर्सन के लिए तीसरे पाइल से। जैसे कि अगर आपके पास रिश्ते आ रहे हैं तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि उस पार्टनर से मेरी शादी होगी तो कैसे कंपैटिबिलिटी होगी, उससे होगी तो कैसी रहेगी, उससे रहेगी तो कैसी रहेगी। तो ये देखना है इन द लॉन्ग रन आपकी कंपैटिबिलिटी कैसे रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पॉज कर दीजिए, ज़रा सा पॉज करने के बाद टेक अ लॉन्ग ब्रीथ और अपना पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आई होप आपने अपना पार्टनर का नाम अपने मन में बोलना है और अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। बाकी के दो पाइल्स फिलहाल के लिए मैं हटा देती हूँ। पाइल थ्री एंड पाइल पिंक मैं अभी साइड में रख देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट पाइल है, तो आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, मन में सोच लीजिए कि आप क्या जानना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे जी। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आप कैसे हैं। ये आपके बारे में पहले मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। ये आपकी कार्ड्स हैं। आपके कार्ड्स आए हैं टेम्परेंस, लवर्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपको तो देख के ऐसा लग रहा है कि आपके मन में तो काफ़ी दया है, प्यार है, रिस्पेक्ट है। आप अपने पार्टनर की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, करती हैं या करते हैं। टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है कि आप बातों को बहुत जल्दी सुलझा लेते होंगे, बैलेंस कर लेते होंगे। लड़ाई होती होगी ऐसी बात नहीं है, मनमुटाव भी होगा, लेकिन उसको आप बहुत जल्दी बैलेंस कर लेंगे। इमोशंस को बैलेंस करने की कला आपको आती है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आता है द लवर्स। लवर्स ये कहता है कि मन में बहुत प्यार है, एंजल्स की ब्लेसिंग भी है, अपने पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं और कुछ कठिनाइयाँ हैं, लेकिन उनकी बुराइयों को देखते हुए भी, उनके अंदर कुछ कमियाँ भी हैं, उनको भी आप एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि उनको अपनी कमियों के साथ आप एक्सेप्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छी चीज़ के लिए तो हर कोई प्यार करता है, बुरी चीज़ के लिए प्यार करें वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आपके जो कार्ड्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि आपने जिनका भी नाम लेके ये कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, लव टेस्ट कर रहे हैं,
यही दिखा रहा है कि आप अपने पार्टनर की को बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी कई बातों को शायद आप सह भी जाते हैं, बिल्कुल बर्दाश्त भी कर लेते हैं और आपने जो बैलेंस कर लेते हैं और आपके चेहरे पे शिकन भी नहीं आती है। किंग ऑफ वॉन्स भी यही कह रहा है कि आपको अपने पार्टनर की जो एक डेडिकेशन है वो बहुत पसंद है, उनके अंदर एक फायर है, आपके पार्टनर के अंदर ना एक फायर है अपने रिलेशंस को समझने की, अपनी अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करने की, उनको भी है। अपने काम को बहुत रिलीजियसली करते हैं, वो जो भी करते हैं ना उसमें आपको लगता है कि ये तो मेरा हीरो है या हीरोइन है, जो भी है जेंडर को आप अपने आप कर लीजिएगा, जो भी आपके पार्टनर हैं। यानी कि आप अपने पार्टनर की जो है बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं और उनकी हर बात को समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट भी बहुत करते हैं दुख में सुख में हर उसमें। ठीक है, अब देखें कि आपके और आप क्या करते हैं, अभी आपके कार्ड्स ख़त्म नहीं हुए। और आप जो हैं इसको यहाँ रख देते हैं। आप तो घर को बहुत जोड़ने वालों में से हैं, ये सारे कार्ड्स आप ही के लिए हैं। फिर आया आपका फोर ऑफ वॉन्स, कहता है कि आप जो का जो ये पवित्र रिश्ता है, आपका जो ये रिलेशनशिप है, आप इसको बहुत दूर तक लेके जाना चाहते हैं, इसको बहुत अच्छे से पक्का मजबूत खड़ा करना चाहते हैं और आपकी तरफ से तो पूरी तरह से ये मजबूत है, आपके रिश्ते में बहुत मजबूती नज़र आती है और खुशी भी नज़र आती है, डेडिकेशन नज़र आता है। फिर फूल का कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। द फूल का कार्ड ये भी कहता है, सही हो गलत हो, आप एक मिनट भी नहीं लगाते हैं, एक सेकंड भी नहीं लगाते हैं, जो आपके पार्टनर ने कह दिया वही आपके लिए, अगर वो दिन में कह रहे हैं रात है तो आपके लिए रात है, अगर वो रात में दिन कह रहे हैं तो आपके लिए दिन है। इस तरह से हैं आपका अपने पार्टनर के लिए फीलिंग्स, थॉट्स, और ये आप उनको शो भी करते हैं। फिर आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कहता है कि आप घर को या अपने रिश्ते को भी बहुत संजो के समेट के ना बैलेंस करके रखने वालों में से हैं। आपके अंदर वो गुण हैं कि आप अपने रिश्ते को इम्पोर्टेंस दें और उसकी देखभाल करें। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये फर्स्ट पाइल का, आपके ये कार्ड मुझे बहुत अच्छे लगे। चलिए अब देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आया है। ये एंजल टैरोस में से आपके लिए आया है विक्ट्री, गुड न्यूज़ इज ऑन इट्स वे, पब्लिक रिकॉग्निशन और अवार्ड्स। यानी कि बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं आप मुझे, और ये भी दिख रहा है कि आपको पता है आपकी विक्ट्री होगी, आपका रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा और आपके पार्टनर आपसे बहुत खुश रहेंगे और आप भी जो है अपने बैलेंस करके इमोशंस बहुत ठीक ठाक रहेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एक कार्ड आपके लिए और आया है, एक कार्ड आपके लिए जो और आया है वो आया है माइंड का कार्ड। अब ये जो माइंड का कार्ड है, ये वाला कार्ड माइंड का कार्ड ये कहता है कि जो है आप ना, ऐसा नहीं है कि आपके मन में चीज़ें नहीं आती, सवाल नहीं आते, आपके माइंड में भी आती हैं चीज़ें अपने पार्टनर को लेके, लेकिन आप ज़्यादा ना माइंड चलाते नहीं हैं, अंदर ही अंदर रखते हैं। यानी कि अगर थॉट्स आते भी हैं, उनकी कोई चीज़ बुरी भी लगती है तो उसको आप अंदर ही अंदर उसको पी जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा तूल नहीं देते, अगर तूल देंगे तो चीज़ें बढ़ सकती हैं। तो इसमें आपकी बड़ी समझदारी है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी ये बात। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर के कार्ड्स क्या आ रहे हैं। आपके पार्टनर के कार्ड्स आ गए पेज ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, द टावर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ये हैं आपके पार्टनर के कार्ड्स और इन कार्ड्स को देख के ऐसा लगता है कि वो थोड़े से मटेरियलिस्टिक है, ज़्यादा नहीं है, और जो भी वो मटेरियलिस्टिक हैं, जो भी इन द सेंस उनको ना फाइनेंशियली उनको ग्रो करना है,
जो कि अभी वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। कहीं उनके फाइनेंसेस रुके हुए हैं, कहीं उनके काम रुके हुए हैं, ये यहाँ पे वीकनेस भी दिख रहा है। लेकिन उनको पैसे किसके लिए चाहिए, उनको प्रॉपर्टी किसके लिए चाहिए, उनको आपको सिक्योर करने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। क्योंकि इस टाइम मन से ज़रूर वो उदास हैं, उनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन गुस्सा थोड़ी देर के लिए आता है। ये टॉवर का कार्ड यही कह रहा है, गुस्सा आता है थोड़ी देर के लिए और ख़त्म हो जाता है। और वो आपसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, मुझे तो ये रिश्ता नया भी नहीं दिख रहा, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है। मे बी पास्ट लाइफ भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है, आपका तो सोल कनेक्शन नज़र आ रहा है। आप उनकी इच्छा थी या इच्छा थे, क्योंकि ये नाइन ऑफ कप्स है। नाइन ऑफ कप्स ये कहते हैं कि आप विश थे उनके लिए और उनकी विश ग्रांटेड हो गई, तो वो बहुत खुश हैं आपके साथ, अपने रिलेशन में बहुत खुश हैं। जो उनको थोड़ा बहुत गुस्सा आता है उसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जहां तक मुझे लग रहा है, आपके लिए अगर मैं कहूं, आप जो है सैजिटेरियंस हो सकती हैं, हो सकते हैं, जो भी आप हैं सैजिटेरियंस हो सकते हैं या जेमिनाइज, और आपके पार्टनर एरीज लगते हैं। आपके पार्टनर एरीज लगते हैं और आप या तो सैजिटेरियन हैं या फिर जेमिनाई हैं। ये थी आपकी कंपैटिबिलिटी। फिर आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया है अबंडेंस, थ्री ऑफ फायर। अबंडेंस, थिंग्स लुक वेरी गुड, हैव पेशेंस ऑल दिस टाइम, मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स। आपके पार्टनर को ऐसे लगता है कि आपके लिए वो और करें और करें और करें, आपको सिक्योर करें, आपके लिए कुछ करें, आपके लिए कुछ ऐसा गिफ्ट करें या कुछ ऐसा काम करें कि आपको खुशी मिले। और आप हैं, आप जितना है उसी में संतुष्ट हैं, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है आप दोनों के रिलेशन का। मैं इसको ए प्लस दूंगी कंपैटिबिलिटी में, केयरिंग में। आपके पार्टनर के लिए अबंडेंस कार्ड भी आया है। अबंडेंस यानी कि वो आपके लिए खूब बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके मन में बहुत कुछ है आपके लिए करने के लिए। तो आप दोनों के बीच में जो है रिश्ता बहुत दूर तक जाएगा, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे, एक दूसरे की खुशी के लिए रहेंगे, ऐसा नज़र आता है। और एंजल्स कार्ड क्या आया है आपके लिए? एंजल्स कार्ड आया है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस ये कह रहा है कि थोड़ा सा अभी तो आपको लग रहा है ये सब, अभी तो ये लग रहा है आपको कि बहुत अच्छा है, दोनों की आपस में है बहुत कंपैटिबिलिटी है सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा अपनी तरफ भी देखिए, अपनी आप संतुष्ट हैं, ठीक है आप उनकी खुशी के लिए हैं, वो आपकी खुशी के लिए हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को भी थोड़ा सा जीने की कोशिश करिए। ये यही कह रहा है सेल्फ रिलायंस। अपने अंदर झांकिए और अपनी लाइफ में कुछ और फेदर्स ऐड करिए। देखिए शी इज अ फेरी, ये एक एंजल है, जो आपने इसको बटोर के रखा हुआ है वो आपके पास ही रहेगा हमेशा। आपकी खुशियां, आपने जो इतना सब कुछ संजोया है रिश्ता, वो आपके पास ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। आपके अंदर एक फियर नजर आता है, आपके अंदर एक डर नजर आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं नहीं कुछ होगा। थोड़ा सा अपने को भी एक्सप्लोर करिए ताकि थोड़ा चेंज लाइफ में बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज कंपैटिबिलिटी और लव में आपको ए प्लस देती हूँ, कंग्रेचुलेशंस। नाउ पाइल नंबर वन, ये जो ब्राउन क्रिस्टल था इसने तो कमाल कर दिया। आपकी रीडिंग तो बहुत अच्छी रही, थैंक यू सो मच। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, शेयर करिएगा लोगों से, ताकि और लोग भी चेक करें और जो है
खुश रहिएगा, अपने प्यार को और आगे बढ़ाइएगा और अपने लिए भी सोचिएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पाइल का टाइम शुरू हो गया है। नेक्स्ट पाइल हमारी पिंक है और आपने जिनका जिनके लिए आप सोच रहे हैं उनकी उनका नाम ले लीजिए, ठीक है, उनका नाम लीजिए और फिर उनके बारे में सोचिए। और सेकेंड पाइल, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ। अब हम देखने जा रहे हैं सेकेंड पाइल, पिंक पाइल, कि आप दोनों के बीच कितनी कंपैटिबिलिटी है, कितना रिश्ता मजबूत है, कितना लव है, कितना अफेक्शन है। आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोचते हैं और आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। आने वाले टाइम में अगर आप पार्टनर बनने वाले हैं तब भी, अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा है तब भी, अगर आप दोस्त हैं तब भी, अगर आप पार्टनर्स हैं तब भी, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तब भी, अगर आप कमिटमेंट में हैं, आपका लव रिलेशन चल रहा है तब भी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आप जिनके लिए आप ये देख रहे हैं रीडिंग, आपके मन में क्या है, आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी है उनके लिए, आप क्या सोचते हैं उनके लिए। पहले आप, ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड देन एट ऑफ पेंटिकल्स। जहां तक आपके कार्ड्स देखे जाएं तो ऐसा लगता है कि आपको दुनिया वालों की बहुत ज्यादा परवाह है, बहुत ज्यादा आप ये सोचते हैं कि ये तो नहीं देख रहा, वो तो नहीं देख रहा, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, आपको लोगों की परवाह ज्यादा नजर आ रही है। मुझे अपने बारे में कम सोचते हैं, लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ऐसा लग रहा है आपको। ऐसा लगता है कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या नहीं कहेगी, अपने रिलेशन के लिए कम सोचते हैं आप, जबकि रिलेशन में आपको बहुत प्यार मोहब्बत है। ये लव रिलेशन ही है, बिल्कुल अच्छी बे इंतहा प्यार है आप दोनों के बीच में, आपके पसंद के पार्टनर हैं वो, आप उन्हें बहुत चाहते हैं, लेकिन फिर भी लोग, दूसरे लोग आप काफी उनको अवॉइड भी करते हैं जहां तक लगता है, या कह लीजिए कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि आप उनको अवॉइड आपको करना पड़ जाता है, आप उनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते, देखिए भागते हैं। कहीं कुछ आप रिश्ते से खुश भी नहीं दिख रहे मुझे, कई बार आप सोचते हैं कि चले जाएं, ओवर कर दें, ब्रेक कर दें, तो कहीं आप जो 100% उनके साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, और शायद कहीं पे उनके साथ भी ऐसा हो सकता है कि वो आपको कोई पहचान नहीं दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं लोगों को कैसे कन्विंस करूं, ठीक है। और फिर प्यार है बहुत ज्यादा, कई बार आप उनको ना सेक्रीफाइस भी करते हैं, देखिए द हैंग मैन, आप चाहते हुए भी आपको लगता है कि ये शायद बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि उनकी कुछ अभी उनके कार्ड्स भी खोलेंगे, तो आप थोड़ा सा कट लेते हैं उनसे, आप थोड़े से डिप्रेशन में हो जाते हैं उनकी बातों से, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि छोड़ दें। आप सेक्रीफाइसेस भी बहुत करते हैं उनको, आप कई बार माफ कर चुके होंगे, कई बार समझा चुके होंगे कि भाई ऐसे नहीं, भाई वैसे नहीं, बट कई बार आपको ना ये रिश्ता बर्डन लगता होगा, बहुत बहुत बर्डन लगता होगा, बहुत बर्डन कि क्या करूं मैं, कैसे करूं, लेकिन क्योंकि प्यार है इसलिए आप छोड़ नहीं पाते, क्योंकि आपको प्यार है छोड़ नहीं पाते। उसके बाद आप बहुत मेहनत करते हैं, आप जितनी मेहनत करते हैं इस रिश्ते में उतना आपको मिलता नहीं है वापस। चलिए हम पहले आपके पार्टनर के ही कार्ड्स खोलते हैं, तभी चीज जो है हमारी क्लियर हो पाएगी, ठीक है, तभी क्लियर हो पाएगी। तो हम पहले आपकी ये कार्ड्स यहाँ रख देते हैं, इनको बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम ये देखेंगे आपके पार्टनर के कार्ड्स। आपके पार्टनर के कार्ड्स आए द जजमेंट,
जजमेंट कार्ड आया, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स एंड देन पेज ऑफ कप्स। भाई जो आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं ये कह रहे हैं, एक तो वो कई बार जजमेंटल हो जाते हैं, हो सकता है वो थोड़े से बीमार भी रहते हैं या कंफ्यूज्ड हैं या उनको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा या उनके पास कोई उनसे जुड़ी हुई कोई फीमेल है जो कि सिंगल है या बहुत चिड़चिड़ी है, उनको बहुत रोकती है टोकती है, थोड़ी ज़्यादा उम्र की है या अगर कम उम्र की हुई तो मिच्योरली बिहेव करती होगी, वो आपसे मिलने नहीं दे रही उसको उनको, जबकि उनके मन में बहुत प्यार है आपके लिए। ये देखिए ना कितना प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन वो शो नहीं करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो शो करेंगे तो क्या करेंगे, फिर आप आगे चलने के लिए कहेंगे, इसलिए वो ना थोड़ा रिजर्व होके रह जाते हैं अपनी फीलिंग्स को सबको ना। देखिए फोर ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल सिकोड़ लिया, रिजर्व हो गए अपने आप को, बिल्कुल अपनी इच्छाओं को रोक लिया। ऐसा नहीं है कि उनके आपके साथ एंजॉय नहीं करने, जब वो आपके साथ होते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, उनको लगता है बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, कोई तीसरा कोई भी हो सकता है, वो मे बी मदर हो या कोई और रिलेटिव हो या कोई और फ्रेंड हो या कोई जो है लाइफ पार्टनर हो, हस्बैंड या वाइफ हो, तीसरा पर्सन है कोई ना कोई, बट आपसे जुड़े वो ज़रूर हैं, इमोशनली आपसे अटैच है बिल्कुल बच्चों के जैसे, तो इस वजह से वो ना काफ़ी अकेले पड़ जाते हैं, वो ना डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो ये सारी दिक्कतें उनके साथ आ रही हैं, जो कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपको 100% नहीं दे रहे। अब वो ये सब कर रहे हैं इससे आपको ये लगता है कि वो खुल के नहीं आते, रिजर्व रहते हैं, जजमेंटल रहते हैं, कम बोलते हैं, जल्दी चिड़चिड़े भी हो जाते होंगे, चीज़ों को छुपाते होंगे, तो आपको लगता है वो आपसे आपको चाहते नहीं हैं, तो यहीं पे आप लोगों का बैलेंस थोड़ा ख़राब हो जाता है। आपको चाहिए कि आप उनको समझें। अब आपके लिए एंजल कार्ड क्या निकला है, ये एंजल टैरो कार्ड है, सिक्स ऑफ एयर, थिंग्स आर लुकिंग अप, द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टेकिंग अ ट्रिप। तो ये कार्ड ये कह रहे हैं कि जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जो आपको जवाब नहीं मिलते हैं, आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, आपको सोचना पड़ता है मैं छोड़ दूँ या कुछ, चला जाऊँ या चली जाऊँ दूर, तो उसका एंड होने वाला है, आपके भी डिसीज़न आने वाला है और बहुत खूबसूरत डिसीज़न आने वाला है। ये कार्ड जो कंप्लीशन का कार्ड है, ये आपके लिए कहता है कि आप कंप्लीट होना चाहते हैं, आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट होना चाहते हैं, आप पूरी सिक्योरिटी चाहते हैं, कहीं टूटे हुए सी हैं। देखिए ये होता ना, ये फिक्स पार्ट करते हैं ना, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो कहीं कुछ पार्ट्स अलग हैं जिनको कि आप जोड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक हो जाएं, जो दूरी है वो बिल्कुल ही अलग जो है आपको अलग ना कर दे कहीं, आप जुड़ के रहना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर के लिए देखें तो आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया द हर्मिट, बिल्कुल साधु संत की तरह हो रहे हैं वो, तो आर्कएंजल रेजिल, स्पेंड टाइम इन क्वाइट मेडिटेशन, स्पिरिचुअल टीचिंग, सेल्फ डिस्कवरी। उनकी जो ये सिचुएशन है, उनको मेडिटेशन में थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, अकेले में टाइम बिताना चाहिए, उनको थोड़ा सा साइलेंस चाहिए, उनको अपने से बात करने का वक्त चाहिए, तो मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए, उनको ओपन स्पेस दीजिए, उनको पकड़ के मत रखिए, वो उड़ना चाहते हैं उड़ने दीजिए, वो जो ज़िंदगी में सोच रहे हैं करने दीजिए, ज़्यादा सवाल मत करिए, बिल्कुल नैगिंग ना करिए, कब कहाँ कैसे क्यों, ऐसे क्यों किया वैसे क्यों किया ना, उनको थोड़ा छोड़िए,
जो ये छोड़ रहे हैं ना, ये तो आप हमेशा बहुत ज़्यादा छोड़ रहे हैं। जब मिलें तो उनको प्यार दें, जब मिलें उनको अंडरस्टैंडिंग दें, उनको सूदिंग दें, ताकि उनको आपके साथ अच्छा लगे, बर्डन ना लगे। तभी ये बात यहाँ तो पता चली गया, आपके कार्ड्स में आ गया 6 रुपये की, बहुत जल्दी जो है अच्छा नतीजा आपके लिए आने वाला है। अब देखिए रिसेप्टिविटी, तभी तो रिसेप्टिविटी पैदा करवाइए ना। अभी आप भी कुछ ना कुछ कहते होंगे और वो कुछ नहीं कर पाते होंगे, वो बेचारे मन मुसर जाते होंगे कि वाई नॉट अंडरस्टैंडिंग माई प्रॉब्लम्स, मेरी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं समझी जा रही हैं, क्यों मेरे पे बार बार नैगिंग की जा रही है, सुनाया जा रहा है, रूठा जा रहा है। जितने क्षण आपके पास होते हैं ना, उनको इंजॉय करिए, क्योंकि वो बहुत कीमती होते हैं। ठीक है, एंजल्स के कार्ड आपके लिए कह रहे हैं न्यू अपॉर्चुनिटी। कहीं ऐसा लगता है कि अगर आप उनको थोड़ा सा ओपन स्पेस देंगे, थोड़ा ढील देंगे, तो चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी। जो चीज़ें अभी तक आपको ब्लॉक लगती थी, वो ऐसे लगेगा कि खुल गई हैं, और वो न्यू अपॉर्चुनिटी की तरह एक नया रिश्ता बनकर आपके सामने आ जाएंगे। आपको लगेगा अरे ये वो नहीं है, ये तो बिल्कुल नए हो गए हैं। उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए, बाकी आगे सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्यार तो है, इच्छा भी है, प्यार भी है, और थोड़ा सा आप उनको समझने की कोशिश करिए। तो ये था पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ गाइडेंस मिली हो, तो ज़रूर शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। और ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे आपको इसका जवाब मिलेगा। जितने लोगों के लिए चाहे आप देख सकते हैं ये रीडिंग, अलग अलग पाइल्स लिखे। ठीक है, थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2, थैंक यू। चलिए अब बारी आई हमारी पाइल नंबर 3 की। जिन्होंने ये पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ। जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका नाम मन में लीजिए, अफर्मेशन, आप लोगों के बीच में कैसी कंपैटिबिलिटी है, कैसा लव रिलेशनशिप रहेगा, कैसा रहेगा, आपके लवर हैं, पार्टनर हैं, फ्रेंड हैं, लाइफ पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, एनी पार्टनर, बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, एनी पार्टनर, आपके बीच में क्या कंपैटिबिलिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए कार्ड। पहला कार्ड आया आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, डेथ एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। अब इन कार्ड्स को अगर हम देखें तो ऐसे लग रहा है आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, प्रैक्टिकल हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स यही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, आपको सब चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, आपको घर मकान पैसा सब अच्छी चीज़ें सब चाहिए, आपको अच्छा करियर चाहिए, पैसा चाहिए, लग्जरीज चाहिए, सब कुछ चाहिए। शायद आप गवर्नमेंट जॉब भी देख चाहती हैं, या हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब में हों भी, आप गवर्नमेंट जॉब में होती भी दिख रही हैं। और जो है फिर भी कहीं पे आप बहुत खुश नहीं हैं, आप ये सारी चीज़ें चाहती हैं कि आपका जो पार्टनर है ये सारी चीज़ें आपको दे, क्योंकि आपका आपको ये चीज़ें पसंद है। आपको अच्छा घर चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन फिर भी जो है आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको चाहिए क्या। शायद अभी तक आपको यही नहीं पता कि आपको चाहिए क्या, लेकिन असल में क्या है, आप कंफ्यूजन के स्टेट में रहते हैं।
एट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके रहता है कि आपको जो पार्टनर में क्या क्या चाहिए, आपके पार्टनर के पास पैसा हो, आपको संतुष्ट रख सके, आपके पास या उनके पास गवर्नमेंट जॉब हो, सिक्योर जॉब हो, करियर अच्छा हो, एस ऑफ वॉन्ड भी आया कि करियर अच्छा हो, आप करियर ओरिएंटेड हैं, आप अपना करियर भी आगे बढ़ाना चाहती हैं, बिजनेस करना चाहती हैं, ब्यूटीफुल भी हैं, हैंडसम है या ब्यूटीफुल भी हैं, जो भी हैं देख रहे हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल आया है, फिर जस्टिस, शायद लव मैरिज हो क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, शायद लीगल चीज़ें भी होंगी आपके पार्टनर के साथ में कहीं ना कहीं, अगर बिजनेस करते हैं तो ज़रूर लीगल डॉक्यूमेंट होगा, शादी है तो लव ये क्या कहते हैं इसको, गवर्नमेंट कोर्ट जाके फिर आपकी शादी होगी, यानी कि कोर्ट मैरिज। पर अभी आप बहुत सारी डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, आप लाइफ में बहुत बड़ा चेंज चाहते हैं, पर क्या चेंज चाहते हैं आपको खुद नहीं पता, कहीं आप ना फंस चुके हैं, आपकी एनर्जीज ना स्टक हो गई हैं, रुक गई हैं, आप खुद भी नहीं समझ में पा रहे। शायद लोगों से सुनते रहते होंगे ना, पैसा होना चाहिए, घर होना चाहिए, जॉब होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो वो आपके दिमाग में ना वो चीज़ें क्या भरती रहती हैं, लोग भरते रहते हैं, लोगों पे बहुत जल्दी आप विश्वास कर लेते हैं। चलिए ये दोनों कार्ड हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखें कि आपके जो पार्टनर हैं वो कैसे हैं, उनके साथ ही तो देखना है वो आपके लिए क्या सोचते हैं। आपको तो पता चल गया आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए या अपने पार्टनर में आप क्या खोजते हैं, अब आपके पार्टनर को क्या चाहिए। द सन, द स्टार, ओके, देन सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, देन सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल। ओके, आप काफ़ी एक जैसे हैं दोनों के दोनों, काफ़ी आपको तो एक सेटल्ड लाइफ चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, और शायद आपके पार्टनर के पास है भी। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, बहुत सपने हैं, बहुत ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि वो जो भी काम करें खूब शाइन हो, बिल्कुल काफ़ी ब्राइट हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं, सुंदर भी हैं, मे बी लियो हैं, लियो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं या फिर एक्वारियस हो सकते हैं, लियो या एक्वारियस हो सकते हैं, ठीक है। और जो है लियो के मेरे को ज़्यादा दिख रहे हैं चांसेस, कोई फायर साइन एरियस भी हो सकते हैं, एरीज भी हो सकते हैं, लियोज भी हो सकते हैं, सैजिटेरियंस भी हो सकते हैं, ठीक है। और वो ये चाहते हैं हर चीज़ में विक्ट्री चाहिए, जीत चाहिए, जीत चाहिए, कहीं पे आप दोनों ना काफ़ी मैच कर रहे हैं, दोनों ही करियर ओरिएंटेड हैं, दोनों ही पैसा चाहते हैं, पर यहाँ पे ये कार्ड दिख रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल, उनको पैसों की कोई कमी है और वो आउट ऑफ मतलब कहीं बाहर जाना चाहते हैं, जहाँ अभी रह रहे हैं इंडिया में हैं तो वो बाहर जाना चाहते हैं, ये जो आपके पार्टनर हैं ये कहीं बाहर रहना चाहते हैं, कहीं ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन तो नहीं है, मुझे कहीं पे इसका भी अंदेशा दिख रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है, ऐसा भी दिखता है। तो ये तो बाहर जाने की चिंता में है, और अगर ये गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो ये नहीं जा पाएंगे, इसलिए आपकी इच्छा है कि आप जॉब करें या गवर्नमेंट जॉब या ये करें, अगर आपने ऐसे किया तो फिर जो है ये कैसे हो पाएगा ना, एक जना अगर बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये तो जाएंगे, इनके पैसे का इंतज़ाम होगा, इनको ज़रूर जाना है, तो इसीलिए शायद आपको कन्फ्यूजन है कि आप अपने करियर को कौन से रास्ते पे लेके जाएं, तो आप दोनों का जो मिलना नहीं हो पा रहा, यानी कि दोनों दोनों करियर ओरिएंटेड हैं
ये बाहर जाके करना चाहते हैं, आप यहीं पे रह के करना चाहते हैं, और आप अपने करियर को बहुत ज़्यादा सीरियसली देखते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप खुद मुख्तार बने, यानी कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने लिए चाहिए। आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझते और नहीं समझना भी नहीं चाहिए। तो ये कंडीशन है, और आपके लिए एंजल टैरोट्स कहते हैं नाइट ऑफ अर्थ, लॉयल, डेडिकेटेड, ऑनरेबल एंड काइंड, टाइम टू बकल डाउन एंड गेट थिंग्स डन, ऑनर योर कमिटमेंट्स, अ गार्जियन एंजल। ये एंजल कह रहे हैं कि अब टाइम आ गया है, आप बहुत लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं, काइंड हैं, अब सेटल हो जाइए और अपने कमिटमेंट्स को, जो आपने कमिट किया हुआ है उसी पे स्टिक रहिए, अपने माइंड को मत चेंज करिए, उसी पे रहिए। आपके लिए ये कार्ड भी आया है ओशो जेन डेक से, टैरो डेक से, इनोसेंस। आप बहुत, आपके अंदर ना एक बड़ा भोलापन है, योर देर इज चाइल्ड विद इन यू, एक अंदर ना बच्चा सा है आपके अंदर, ये सब चीजें चाहते हैं लेकिन फिर भी जो है कंफ्यूज्ड है, आपको खुद ही नहीं पता क्या करना है। किसी भी कंडीशन में ना उस बच्चे को वैसे निकाल लेते हैं, उस कंफ्यूजन में भी वो बच्चा जो है वो जी लेते हैं। अगर आपके पार्टनर के कार्ड्स देखें, एंजल टैरो कार्ड्स, द मैजिशियन, आर्कएंजल रिजिल, यू आर रेडी, यू हैव द रिसोर्सेज और द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट देम, लाइफ इज मैजिकल। वो मैजिक ही क्रिएट करना चाहते हैं, उनको लगता है कि बस वो करें और उड़ जाएं, उनके काम मैजिकली हो जाएं। तो और उनके लिए क्या कार्ड आया है ओशो जेन से, बियॉन्ड इल्यूजन, बहुत दूर की सोचते हैं, उनको कोई इल्यूजन नहीं है, बहुत उनको बहुत क्लैरिटी है कि उनको चाहिए क्या, उनको जो चीज़ लाइफ में चाहिए वो क्लियर है उस चीज़ के लिए। अब आपको उनका साथ देना है तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि वो तो चले जाएंगे या चली जाएंगी, जो भी, जहां तक कंपैटिबिलिटी है ठीक है। प्यार तो मुझे इमोशनल अटैचमेंट कहीं नहीं दिख रही उनसे। दैट पर्सन थिंक्स अबाउट दैट पर्सन ओनली, मी माई सेल्फ, मैं, वो अपने लिए ही ज्यादा सोचते हैं, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, वेरी प्रैक्टिकल। और जहां तक आपके लिए भी देखूं, आपको भी कोई इमोशनल, दोनों के दोनों बहुत प्रैक्टिकल हैं, दोनों की कुछ सपने हैं, हाँ दोनों अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, तो दोनों ही मुझे तो स्ट्रांग कैंडिडेट नजर आ रहे हैं, दोनों ही स्ट्रांग हैं। झुकना लेकिन आपको पड़ेगा, वो नहीं झुकेंगे, यानी कि उनकी बातें आपको माननी पड़ेंगी, आपकी बातें वो नहीं मानने वाले, ये तो बहुत अच्छे से 100% क्लियर है ठीक है। क्योंकि उनके जो ड्रीम्स हैं ये हैं, उनके पास पैसा आया और वो चले जाएंगे, और पैसा आपके पास है, पैसा आपके पास है, आप चाहें तो अरेंज भी कर सकते हैं, तो आप देख लीजिए, डिसीजन आपको लेना है। आपके लिए क्या बोल रहे हैं एंजल्स, रेजिंग योर स्टैंडर्ड्स, अपने स्टैंडर्ड्स और राइज करिए, इस चीज से निकलिए, अपने बारे में भी सोचिए। आप अपने बारे में सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन हो रहे हैं ना, थोड़ा सा और सोचिए तभी आप डिसीजन ले सकेंगे, क्योंकि इमोशनल टच मुझे नजर नहीं आ रहा, बहुत प्रैक्टिकल है, जैसे आपको उनकी जरूरत और उनको आपकी जरूरत है। जैसे होता है ना, एक अच्छे लाइफ के लिए सेटलमेंट, सेटल्ड होना पर्सन जरूरी है, पैसा जरूरी है, करियर जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, तो वो ये एक दूसरे में आप लोग ढूंढ रहे हैं, और कहीं कहीं पे वो चीज पूरी हो रही है तो आपको लगता है कि क्या यही है वो, ऐसा रहेगा। तो पाइल नंबर 3, दिस वॉज योर रीडिंग।
अगर आपके कनेक्टेड हुए हैं इससे तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों के साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप शेयर करते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप जिसको भी ये रीडिंग करनी है वो कर सकते हैं, उनको आंसर्स मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगी, रास्ता दिखेगा, डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी क्योंकि कार्ड्स बहुत बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत क्लियर होती है। बस जब भी देखें फेथ के साथ देखें। और किस चीज़ के लिए आपको चाहिए रीडिंग्स, टॉपिक्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। और जिसको भी मेरे से बात करनी है प्लीज़ व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज किया करिए, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी, कॉल मत करा करिए, मैं हर बार कॉल नहीं उठा पाती और मैं कॉल उठाना भी नहीं चाहती हूँ। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फ्री रीडिंग मत मांगा करिए। फ्री रीडिंग देने से मेरी एनर्जीज बहुत, कहते हैं ना, फ्लो कर जाएगी, मैं एनर्जी नहीं रहेगी तो मैं आगे आपको कैसे गाइडेंस दूंगी। एनर्जी एक्सचेंज के बिना हम किसी को कोई रीडिंग नहीं दे सकते, तो इसलिए प्लीज़ फ्री का क्वेश्चन मत लेके आया करिए कि हम बहुत हेल्प चाहते हैं, ये मेरा काम है, आपके लिए लाई ना मैं ये रीडिंग्स आपकी हेल्प के लिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मेरी सर्विसेज पेड हैं। तो चलिए अभी के लिए आगे दीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, स्टे ब्लेस, स्टे होम, स्टे हैप्पी, बी प्रॉस्परस, आपकी जो लव है, कंपैटिबिलिटी है अपने पार्टनर के साथ खूब बढ़े और आप लोग खूब खुश रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।